ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव, शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय। धन उधार लिया जा सकता है, कपड़े उधार लिए जा सकते हैं, बर्तन भांडे फ्री उधार लिए जा सकते हैं, पर पुण्य उधार नहीं लिया जा सकता। वो पुण्य अपना खुद का होना चाहिए, तभी मेरे बाबा के धाम तक पहुंच सकते हो। स्वयं के पुण्य से, किसी दूसरे के पुण्य से नहीं। अपना स्मरण स्वयं कर, अपनी भक्ति स्वयं धारण कर। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि माताएं जब जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाए, पति अपना लोटा लेकर जाए और पत्नी अपना लोटा लेकर जाए। एक कलश अगर पति लेकर जा रहा है तो एक कलश लक्ष्मी लेकर जाए, और अगर पति पत्नी दोनों एक ही कलश लेकर गए हो तो आधा जल पति चढ़ाए तो आधा पत्नी चढ़ाए। ये अपना अपना पुण्य अपना। जब हमारा गठजोड़ा बंधा होता है, गठजोड़ा बंधा है उस जगह पर भले पति जल चढ़ाएगा तो पत्नी गठजोड़ा बंधा है तो हाथ लगाएगी तो उसको उसका पुण्य मिल जाएगा। कब कब कब? जब गठजोड़ा जमके बोलो जल बंदा है तो पति जल चढ़ाएगा तो पत्नी हाथ लगाएगी तो पुण्य मिल जाएगा, पर गठजोड़ा जब नहीं बंदा है तब उस जगह पर आपने जल चढ़ाया है तो आपको मिलेगा, उसने जल चढ़ाया है तो उसको मिलेगा। कई माताओं की आदत रहती है, जब यहाँ पर भी कई माताएं आती है ना, तुमने देखना पतियों के साथ जब आती है तो वो जब पति लिफाफा देता है तो पत्नी उसको टच लेती है। तो हम कई बार देखते भी हैं कि हमने एक आध बार पूछने भी वाले थे कि टच करने से होता क्या है। हमने पहले भी पूछा तो उन्होंने कहा गुरुजी आधा आधा मिल जाता है। तो हमने कहा अच्छी बात है, जब तुम्हारा पति समोसा खाए तो तू टच करके ले जाना, उसमें कोई अगर आधा मिल सकता है टच करने से, लिफाफा दिया तो उसमें टच कर लिया, माला चढ़ाई तो उसमें टच कर लिया, तो जब वो बकेट में जाए शादी में, वैसे भी आजकल तो 500-500 की 600-600 की प्लेट होती है, 700-700 की प्लेट होती है, कितना महंगा जमाना हो गया, तो मैं लिख के कह देना साहब लिफाफा वो पत्री का सब छपाओ तो उसमें लिख देना कि पति के साथ पत्नी आए, पर निवेदन है कि पत्नी टच करके खड़ी रहे, हमारा 600 रुपया लगेगा, 1200 नहीं लगेगा, तो तुम टच करते रहो। अब हम वो गुलाब जामुन खाए, टच कर, वो समोसा खाए, टच कर, अरे बोलो तो दीजिए जी, मिलेगा मिलेगा नहीं, उसने खाया तो उसका पेट भराया, हमने खाया हमारा पेट भराया, तो शिव महापुराण वही तो कह रही है कि धन उधार ला सकते हो, कपड़ा उधार ला सकते हो, फ्रीज उधार ला सकते हो, पर पुण्य उधार नहीं लाया जा सकता। इसलिए अपना अपने को खुद कमाना है, अपना भजन अपने को स्वयं करना है, अपना एक लोटा जल शंकर भगवान को अपन को खुद चढ़ाना स्वयं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उदय
इस कली काल में जो नाम की आधारशिला है, इस कली काल में जो भगवत भजन की आधारशिला है, इस कली काल में जो भगवान की भक्ति की आधारशिला है, इस कली काल में जो भगवत नाम की आधारशिला है, वो हमको ये बताती है कि तुम राम का नाम लोगे तो तुम्हारा पुण्य इकट्ठा करोगे, वो राम का नाम लेगा तो वो उसका पुण्य इकट्ठा करेगा, वो भगवत भजन में लगा हुआ है तो वो अपने पुण्य को एकाग्रित कर रहा है। ये पुण्य की ये पुण्य का आनंद। क्या मिला, कितना प्राप्त हुआ? ये गांव के लोगों ने पानी की व्यवस्था, अपने अपने घरों में लोगों को रुकाने की व्यवस्था, रोड पर आप चल कर जाओ तो कोई पोया बंटवा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से छोड़ रहा है, कोई चाय बंटवा रहा है, कोई कुछ बंटवा। ये जितने परिवार वाले दिख रहे हैं, ये जितने कुटुंब वाले दिख रहे हैं, जितने अपने सम्मुख में नजर आ रहे हैं, ये सब तुम्हारे धन और वैभव के दिखने वाले हैं। जब जब प्राण छूटेंगे, परिवार घर सब वहीं पर रह जाएगा। कोई साथ देता नहीं कोई किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। कोई तबल अनुत्तम बिंदु में यीशु महापुराण की कथा जो आपने कार्तिक महीने में इस पावन प्रांगण में मैं बैठकर भीखन गांव की धरा पर सुनी है, जितने लोगों ने टीवी के सामने आस्था चैनल पर सुनी है, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में, तकलीफ के समय पर कोई सामने आकर खड़ा होगा कि नहीं होगा, पर इतना याद रखना मेरा तत्काल दर्शी तुम्हारे सामने जरूर खड़ा। ये पत्र तो इतने हैं बहुत, हम उतने पढ़ भी नहीं पाते। ये पत्र देखिए, नहीं ले रहा गुरुदेव, बड़ी चमत्कार है। हमारे पास तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और एक लोटा जल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस इतना जरूर कहेंगे, हमारे पास में यहाँ शिव महापुराण में ना तो बेल है ना भभूति है, पर इस शिव महापुराण में विश्वास पूरा है, इसलिए तुम्हारे एक लोटे जल से भी बाबा दुख दूर कर देता है। तुम अपने नजदीक में शिव मंदिर अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपनी कॉलोनी में, अपने अड़ोस पड़ोस में जो शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर कभी छोटा और बड़ा नहीं होता, जो शिव मंदिर तुम्हारे पास में, जैसा शंकर जी का मंदिर हो, आप तो उसको बस एक लोटा जल मां चढ़ाना चाहते हो। और जब तक तुम्हारा वैभव है, जब तक तुम्हारा धन है, जब तक तुम्हारी दौलत है, जब तक तुम्हारी संपदा है, सत्ता है, तब तक दुनिया का हर व्यक्ति तुमको पूछेगा। और जिस दिन तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा धन, तुम्हारा दौलत और ये शरीर भी धीरे धीरे जब ढलने लगेगा, कोई नहीं पूछने वाला। नर्मदा जी नहाने कौन कौन गए, हाथ उठा, सब गए, धर लो धर लो धर लो। नर्मदा नहाने जाओ तो नर्मदा जी के घाट पर बहुत सारी मूर्तियां रखी रहती हैं, एक भी मूर्ति उसमें से साबुत नहीं होती, सब खंडित होती है। बोलो री जी, जैसा ही बोलो, जम के बोलो, खंडित। नर्मदा जी के घाट पर स्नान करने जाना तो देवताओं की मूर्तियां, खंडित मूर्तियां आपको घाट पर मिलेंगी। दिवाली हो जाए
दिवाली के बाद किसी पेड़ के नीचे जाकर देखना तो तुम्हें खंडित मूर्तियां ढेर मिलेगी। बोलो सही है कि गलत? खंडित मूर्तियां। जहां जा रहा आपका मन पड़े जहां जाकर है महाराज, करने वाले को लोग घर पर नहीं रखते। जरा सी मूर्ति टूट जाती है तो उसको नर्मदा जी के घाट पर रखे जाते हैं। मूर्ति टूट गई, फोटो फट गया, फोटो टूट गया, उसको ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख देते हैं। आप अपनी मेहनत पूर्ण करिए, अपना कर्म पूर्ण करिए, अग्रण्य भावना करिए। कितने भी एक बार अगर परीक्षा में पास नहीं हुए दूसरी बार पढ़िए, दूसरी बार पास नहीं हो गए तीसरी बार विद्याध्ययन करिए, तीसरी बार विद्याध्ययन करने में पास नहीं हो गए चौथी बार विद्याध्ययन करिए। बार 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 उस कर्म को करते रहिए पर अंदर से टूटना मत। अगर मूर्ति टूट जाती है तो उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है, अगर भीतर से टूट गए तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। टूटना मत, मजबूत करो। मेरे नवयुवक बेटा बेटियां, छोटे छोटे बच्चों, जितने बच्चे बैठे हैं उनसे भी कहूंगा, नवयुवक बेटा बेटियों से कहूंगा, शिव जी के मंदिर जाने में शर्म बिल्कुल मत करना। जितने कॉलेज में पढ़ने वाले बेटे हैं, जितने कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां हैं, चाहे तुम सीए बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, कलेक्टर बन रहे हो, आईएएस की पढ़ाई कर रहे हो, तुम जितनी भी विद्वत्ता धारण करना करो, पर शिव जी के मंदिर में जाने में शर्म बिल्कुल मत करना। मम्मी से कहना, घर की माँ से कहना, पिताजी से कहना, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले अपनी मम्मी से कहना, माँ एक लोटा पानी दे दे मैं चढ़ा के आया। कॉलेज जाने वाली बेटियां, तुम जिस भाव में, तुम तो बस बस कहीं कोचिंग भी जा रही हो, ट्यूशन भी जा रही हो, तो अपने घर के लोगों से कहना कि मुझे एक लोटा पानी दो मम्मी, मैं अभी चढ़ा के आई, पापा मैं अभी चढ़ा कर आया। जब नवयुवक बेटे बेटियां शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल पानी चढ़ाएंगे, दुनिया के लोग कितने भी हंस रहे होंगे, एक बार तुम्हें अगर मंदिर जाता हुआ देख लेंगे तो ये निश्चित है कि तुम भी कजन कितनों को प्रेरणा दे दोगे और तुम्हें देखकर और मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे। हंसे हंसने वाले, हंसने वाले हंसते रहेंगे, गाली देने वाला देता रहेगा, शब्द कहने वाला कहता रहेगा, ताने देने वाला ताना देता रहेगा। तुम मंदिर जाना मत छोड़ो, शंकर के द्वार जाना मत छोड़ो, शिव शिव चौक तक जाओ। बहुत लोग मिलेंगे तुमको दुनिया में और बहुत मिलेंगे रे, ऐसे ऐसे मिलेंगे कि तुमको इतना ज्ञान देंगे क्या होता है शिव पुराण से, क्या होता है राम जी की कथा से, क्या होता है भगवान को अगरबत्ती लगाने से, क्या होता है भगवान को दिया लगाने से, क्या होता है भगवान का भजन करने से। तो उनको कहना क्या होता है भगवान का भजन करने से, ये कोरोना महामारी में लोगों के पास में अटैची भर भर कर लॉकर में पैसा रखा था, कोई काम नहीं आया, आया तो जो तुमने नहीं निकला जा रहा था तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया और बच गए। शंकर भगवान ने उसी समय पार्वती जी से कहा, पार्वती जितने भी जीव हैं, जितने जलचर चलचर वायुचर जो भी यहाँ पर है सबको भगा करा, मैं तुझे अमर कथा सुनाऊंगा। पार्वती जी कहने लगी, अमर कथा मुझे सुनाओगे तो इनसे क्या तकलीफ है? नहीं पार्वती,
किसी को अमर कथा नहीं सुनाऊंगा, तेरे को सुनाऊंगा। तो पार्वती जी ने कहा पशु पक्षियों से तकलीफ क्या? शंकर भगवान ने कहा मुझे पशु पक्षी से तकलीफ नहीं है, दिक्कत ये है अकेले आए थे तो अकेले जाना है, इसलिए अकेले रहकर जो तुम भजन कर सकते हो, जो स्मरण कर सकते हो, उसके बराबर सुख नहीं मिल सकता। इसलिए पार्वती तू बैठ, मैं तुझे एकांत में शिव महापुराण की कथा सुनाता हूँ, अकेले में अमर कथा सुनाता हूँ, मैं अमर कथा तुझे सुनाऊंगा, तो सुन दिल से, क्योंकि अकेला मनुष्य के साथ शंकर भगवान ने कहा पूरा परिवार तुम्हारी श्वास है तब तक तुम्हारे साथ में है, और जिस दिन तुम्हारी श्वास रुक गई उसके बाद तुम्हारे साथ परिवार नहीं होगा। जो तुमने दान किया है, जो तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, जो तुमने बेलपत्री चढ़ाई है, वो तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ अंतिम बिंदु तक जाएगा। कोई नहीं जिनके घर में साधु के वचन नहीं आते, सुन लेना जरा अच्छे से, भीकन गांव वाले हो, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, जिनके घर में साधु के वचन नहीं आते, जिनके घर में गुरु के वचन नहीं आते, जिनके घर में साधु के वचन प्रवेश नहीं करते, वचन नहीं आते, उन्हीं के घर में सल्फास की गोली आती है, उन्हीं के घर में आया, जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली, वो सल्फास की गोली खाने को तैयार ही नहीं होता, मरने की गोली खाता ही नहीं, क्योंकि सुपुराण एक ही बात कहती है, खाए तो मरो, जो जिता कोसे उसकी छाती तो तम दलो, सुपुराण क्यों मरे हम, जरा सा सुख आ गया, हम तकलीफ में आ गए, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं मर जाऊं तो अच्छा, मेरी पत्नी मेरे को अदालत में ले जाकर खड़ी कर दी, मैं मर जाऊं तो काहे को मरे, छाती का मुंह दल, रोज के घर के सामने तंगी पार्टी कर कर एक लोटा जल भर कर उसी के घर के सामने के शंकर जी को चढ़ा, हर हर महादेव, क्यों मरे, बड़ा दुख मिल गया, बड़ी तकलीफ हो गई, गुरु जी व्यापार में घाटा लग गया, हम तो पूरा परिवार मर जाएंगे, हमारा तो पूरा कर्जे में डूब गए, हम तो मर जाएंगे, क्यों मर, किसे से, और मरना ही है तो प्लान चेंज करो, ये गोली मोली खा के तो बहुत लोग मर गए, पानी में डूब के भी बहुत मर गए, थोड़ा नई डिजाइन से मरो, रेल के नीचे भी कूद के बहुत मर गए, गाड़ी के नीचे बहुत मर गए, बंदूक से बहुत मर गए, अब कुछ नई डिजाइन लाओ, तो किसी ने पूछा वो डिजाइन कौन सी, हमने कहा कुछ नहीं, शंकर जी की कथा सुनो, एक लोटा पानी शंकर जी के चढ़ा, और जिता शिव जी के पानी चढ़ाओ, जो तुमको गाली दे उसके सामने उठते बनपन के जा, और शिव जी का भजन, मरना ही है तो शंकर का भजन करके मरूंगा, शिव की कथा सुनकर मरूंगा, शंकर का स्मरण करके मरूंगा, नहीं मरूंगा ऐसे, जब तक शिव नहीं चाहेगा तब तक नहीं मरूंगा, तो मरने की प्लानिंग चेंज करो, और जब तुम शंकर जी के हो जाओगे, जब तुम शंकर के हो गए, तो भोलेनाथ भी पार्वती जी से कहेगा ये सुधरने वाला नहीं है, पार्वती जी बोली बेचारा तपस्या कर करके मर जाएगा, कुछ करो, शंकर भगवान बोलेंगे अरे पार्वती ऐसे मरने नहीं दूंगा, मेरा है तो चिंता मत कर, और भजन करवाऊंगा, और भजन करवाऊंगा, मरने अगर मरने का प्लान बनाया है तो निवेदन है कहीं जाकर मत मरना, भगवान का भजन करते रहना, कीर्तन करना, स्मरण करना, मंत्र जाप करना, शिव जी के मंदिर में सफाई करना, एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, जब मौत आएगी तब मरेंगे, नहीं मरना, जा प्लान चेंज। अपनी भक्ति का आनंद क्यों मानना, किस लिए
Yeah.
भोले तूने चंदा सजाया, माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल 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 सजाया, शीश पे तूने गंगा लिया रे बाबा, शीश पे तूने भोले बाबा, ओ शीश पे तूने गंगा लिया रे बाबा, शीश पे तूने गंगा लिया। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों।